ई फिलहाल जो है सामान दिखाऊंगा, कैमरामैन ते कहूंगा एक बार जो है सामान दिखा दो भाई। जो सामान मदद एकता संगठन ने जो पूछा है वो यो है, 15 किलो चीनी और 1 किलो दाल है भाई, और 4 किलो का जो है सरफ का पूड़ा है, आधा आधा किलो भाई लाल मिर्च है, धनी और हल्दी है, और चाय पत्ती है, बेसन है 1 किलो, और नमक है 2 किलो, ये नानकी साबुन है, यो तेल है भाई, एक बोतल यह है, और बिस्कुट है, और 30 किलो आटा है भाई, 30 किलो आटा है, नू है, 2-3 महीने चल जाएगा काम। राम राम। राम राम। अच्छा के काम करया करते हो? पहली जी गाड़ी चलाया करता, और गाड़ी होगी बंद जी, 7-8 साल हो गए मैं बीमार चल रहा हूँ। 7-8 साल हो गए? 7-8 साल हो गए मैं दवाई चला है, और एक 1.5 महीने से मेरे एक्सीजन लग रही है। और रोज का सिलेंडर लग गया? रोज का जी 1.5 सिलेंडर लग गया। अच्छा, क्या रुपया का हुआ है? 1 सिलेंडर 350 रुपये का हुआ जी। अच्छा, और मेरे पे कोई साधन नहीं है कमाने का, ये बच्चे ये झाड़ू पोछा करके आवे, इस कारण हमारा काम चल गया है, रोटी पानी का। अच्छा, और कोई बीमारी के आपका? बीमारी तो जी फेफड़े में बता रखी है, ऑपरेशन बोल रखे है फेफड़े में। हाँ, ऑपरेशन बोल रखे है, बीमारी वाले ने जवाब दे रखा है। अच्छा अच्छा, या तो दिल्ली होगा या रोहतक होगा। मतलब या जो नलकी लाग रही है या सांस की लाग रही है? ये सांस की लाग रही है। मतलब आपका सांस रुकता को नहीं? इसके बगैर तो सांस, एक पानी भी नहीं पी सकता मैं, ये हटा के। तो मतलब भी कौन जाओ नु गड़े ना जी, लैटरिंग बाथरूम में भी हो लगा के ले जानी पड़े या। अच्छा, इसके कारण जाना पड़ा, नहीं तो सांस मेरी फूल जाए एकदम। अच्छा, टीबी वाली भी बता रहे थे जी शिकायत? हाँ, टीबी वाली शिकायत बता रहा कि तू तो उसकी तो दवाई चला है, और डॉक्टर ने फिर जवाब दे रखा है अब। अच्छा, आप फेफड़े फेफड़े का ऑपरेशन बनेगा, और कोई साधन है नहीं मेरे पास पैसे का। जितनी मदद कर सको तो आप जी। तो देखो भाई, घर न आप कमाओ है ना, कमांदे कमांदे भी काम कौन चल रहा है, और यो इंसान है जो भाई खाट में है 7-8 साल, तो जो है बता रखा है कि पहले तो गाड़ी चलाया करता, लेकिन ईब जो है भाई खाट में है, दवाई चल रहे हैं। आप ये कहोगे कि भाई उड़ जाया डॉक्टर के कहे हैं, तो मैं बताऊं भाई काफ़ी इन धक्के खा लिए। अस्पताल में जा है ना, तो अस्पताल में उससे की बूझो है जिसका दौरे या तो रुपया हो या फिर जान पिछाण हो बड़ी वाली। ऑफ कैमरा जिद बात करी, पहली आड़े तो शाम ले गए, तो शाम में तो फिर बिहानी ले गए, बिहानी तो फिर जो है रोहतक ले गए, रोहतक भी बताई हड़ताल चल रही थी। तो कहने का मतलब यो है धक्के खान लाग रहे हैं, और डॉक्टर जो है ऑपरेशन बोल रखा जी। ऑपरेशन बोल रखा जी, आपका फेफड़ा का ऑपरेशन बनेगा, रोहतक बन जाए ठीक है, नहीं दिल्ली जाना पड़ेगा। इतना मेरा ब्योत नहीं है मैं दिल्ली जा सकूँ। अच्छा जी, मैंने नू भी सुना है कि डॉक्टर गारंटी नहीं लेंदे? ना जी, कोई गारंटी कौन लेंदे जी, वो तो पहले लिखवा और ले हैं भाई, जियोगा तो आपका मरेगा तो आपका। कितने रुपये मांगे हैं इसके? एक प्राइवेट में बात करी थी जी, उड़ तो एक मशीन के बताए हैं 10,000 रुपये दिन का खर्चा, और ऑपरेशन का तो बताया नहीं उन्होंने कितना लगेगा। अच्छा, खाली मशीन का बताया था 10,000 रुपये खर्चा दिन का जी। ये मेरे पास तो पैसे हैं नहीं इतने, नहीं जो ऑपरेशन का बताया था वो नहीं बताया कितने लगेंगे। ऑपरेशन वाला तो उन्होंने पूरी बात बताई नहीं, लेकिन बोले मशीन जो लगेगी ना उसके 10,000 रुपये दिन का खर्चा है। मेरे पास तो 10,000 रुपये है नहीं, तो मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ जी। नहीं, डॉक्टर जिस तरह आप गए हॉस्पिटल में गए तो ये कही थी कि ठीक हो जाएगा ऐसा कुछ, या दवाई चल लेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा ठीक होने का, तो कौन कही? हाँ, ऑपरेशन मिला हो जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं ली अगर भाई वो सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक हो जाएगा है? हाँ, तो मैं तो जब परेशान हो रहा हूँ ये लगा के ना। और टिक्का भी इसमें लग गए है? हाँ, डेली के टिक्के लग गए जी, 3 टिक्के लग गए सांस के, 3 लग गए हैं। हाँ, जिसके कारण मैं रोटी पानी खा लूँ, नहीं तो रोटी पानी को नहीं खाई। अच्छा, था मैं डॉक्टर दौर गए तो ऑपरेशन बोलिया, तो कि मैनू कही कि इतने रुपये लगेंगे, इतना खर्चा आ जाएगा?
नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि ऑक्सीजन मशीन में रखेंगे तो आयुष्मान कार्ड तो चलेगा नहीं उस मशीन में, और बाकी 10,000 रुपया एक दिन का लगेगा। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ 10,000 रुपया। ये काम करा तू? मैं झाड़ू पोछा। अच्छा, ग्राम झाड़ू पोछा? हाँ, झाड़ू ग्राम 4-5 ग्राम करूँ हूँ, 500 कोई 1,000 ऐसे ही देता, उसमें काम नहीं चलता। ऑक्सीजन के लगते हैं 550 रुपये, 1.5 सिलेंडर लग है रोज, और टिक्के दवाई और खान पीन का। और बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपने जो है देख लिया होगा, घर का दूसरा का घर ना काम करके अपना जो है काम चला रही है भाई, कितना आजादा होगा। 500 ग्राम काम कर रहा है, कोई 500 दे है, कोई 1,000 दे है, बिन्न के इबनू लगा लो, लगभग लगभग टोटल करके आप देखा तो 6-7 हज़ार रुपये बना है बिन्न के, और उसमें घर का भी, बच्चा का भी, पढ़ाई का भी, राशन पानी दवाई तो के बचदा होगा। और आप द्वारा कोई ऐसा परिवार हो जो मदद के लायक है तो ज़रूर भाई सुशील फौजी तक जो है संपर्क कराया करो, और कोई मदद करना चाहे तो मदद भी कर सका है। फिलहाल तो शाम मैं मौजूद हाँ, और तो शाम में जो है भाई बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, समाज सेवी हैं, अगर कोई आके मदद करे तो वो भी आके कर सका है।